नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। जादूगर कालिया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिसके पास उनकी 7 पुत्रियां थी। वे सब बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी, लेकिन जो सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम सुनैना था, वह अपनी सभी बहनों में बहुत ही अधिक चालाक और समझदार थी। राजा की पत्नी की जब मृत्यु हो गई तब वह सब बहनें बहुत छोटी थी। इस तरह से इन बेचारी 7 राजकुमारी लड़कियों की देखभाल की जिम्मेदारी राजा के कंधों पर आ गई, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाली उनकी कोई दूसरी माँ नहीं थी। राजा की पुत्रियाँ आगे चलकर राजा के लिए भोजन बनाने का कार्य करने लगी और हर दिन वही राजा के लिए भोजन बना कर देती थी। तब भी जब राजा अपने मंत्रियों के साथ महल से बाहर अपने राज्य के किसी कार्य के लिए होता था, लगभग इसी समय देश के प्रधान सेवक की मृत्यु हो गई और उसने अपने पीछे पत्नी के साथ एक छोटी लड़की को इस संसार में छोड़ गया था। जब राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन को तैयार कर रही थी, उसी समय प्रधान की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री इस राजा की लड़कियों के पास आई थोड़ी सी आग को मांगने के लिए इनके चूल्हे से। सुनैना ने अपनी बहनों से कहा कि इस औरत को यहाँ से भगा दो और इससे कहो कि यह अपने घर में आग को स्वयं पैदा करे। यह हम सबसे क्या मांगने के लिए रोज हमारे यहाँ पर चली आती है। अगर हमने यहाँ इसे रोज आने की आज्ञा दे दी तो यह हमारे लिए जरूर किसी मुसीबत का कारण बनेगी किसी एक दिन। लेकिन सुनैना की दूसरी बहनों ने सुनैना से कहा कि शांत रहो, आखिर तुम अक्सर इस बेचारी विधवा औरत से क्यों लड़ती और झगड़ती रहती है? इसके साथ इसको भला बुरा भी कहती हो, इस बेचारी का कसूर ही क्या है? केवल हमारे यहाँ आकर हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है, अब इसे थोड़ी सी आग दे भी दो। इस तरह से प्रधान की विधवा पत्नी रोज राजा की रसोई में आग लेने के लिए आने लगी और वहां से कुछ जलती हुई लकड़ियां ले कर अपने घर ले जाती थी, और जब कोई उसको देखने वाला रसोई में नहीं होता था तो वह विधवा औरत बहुत जल्दी जल्दी राजा के लिए तैयार भोजन में राख को मिला देती थी। अब जब राजा अपनी पुत्रियों को बहुत अधिक प्रेम करता था, उसकी पत्नी के मरने के बाद यह उसकी लड़कियां ही उसके लिए भोजन तैयार अपने हाथों से करती थी, जिससे राजा को ऐसा कोई खतरा नहीं महसूस हुआ कि उसके भोजन में किसी प्रकार का जहर मिलाया गया है। लेकिन जब राजा ने अपने खाने के भोजन में राख को मिला पाया तो उसने विचार किया, यह अवश्य उन लड़कियों के लापरवाही के कारण ही भोजन में राख मिल गई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने किसी कुरूप मकसद को साधने के लिए हमारे भोजन में राख को मिलाया है। राजा यह विचार करने लगा कि यह कैसे हुआ। यद्यपि राजा स्वयं बहुत अधिक उदार और अपनी पुत्रियों के प्रति दयालु प्रकृति का व्यक्ति था, इसलिए वह उन्हें किसी प्रकार की सजा
इसके लिए नहीं देना चाहता था। यद्यपि करी की खराब स्थिति को कई दिनों से दोहराया जा रहा था, अंत में राजा ने निर्णय किया कि वह छुप कर देखेगा अपनी पुत्रियों को अपना भोजन बनाते हुए कि यह सब कैसे और क्यों रोज ही हो रहा है। इसलिए राजा अपने दूसरे कमरे में गया और वह अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से उन लड़कियों को छुपकर खाना बनाते हुए देखने लगा और उसने देखा कि उसकी सात लड़कियां सावधानी से चावल को धोया और बड़ी स्वच्छता से करी को तैयार कर रही हैं। और जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गया तो उनको स्वच्छता के साथ चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। आगे राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा पत्नी आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां मांगने के लिए आई अपने भोजन को पकाने के लिए। तभी सुनैना उस पर क्रोधित हो गई और उससे कहा कि तुम अपने घर में क्यों नहीं जलाने का ईंधन रखती हो और रोज हमारे यहाँ हमारी वस्तुओं को मत मांगने के लिए इस तरह से चली आया कर, तुम को थोड़ी भी शर्म नहीं लगती है? जब देखो तब मुख उठाए चली आती है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। फिर सुनैना की दूसरी बहनों ने सुनैना से कहा कि चलो दे भी दो कुछ लकड़ियां और आग ही तो मांग रही है। बेचारी कमजोर इस औरत को यह हम सब को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन सुनैना ने उत्तर में कहा, अगर तुम सब इसको रोज हमारे यहाँ आने के लिए इजाज़त देती रहोगी और रोज किसी ना किसी वस्तु को देती रहोगी तो यह एक दिन हमारे लिए किसी भयानक समस्या को पैदा कर देगी और तब हम सब को इसके लिए दुख को सहना पड़ेगा। जब राजा ने प्रधान की विधवा पत्नी को देखा कि वह लकड़ी को लेने के बाद प्रत्येक खाद्य पदार्थ में थोड़ा थोड़ा करके सभी भोजन में जो उसकी पुत्रियों के द्वारा अच्छे और सुंदर तरीके से तैयार किए गए थे उनमें राख मिला रही है, इस पर राजा बहुत अधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजा और कहा कि उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो शीघ्र ही। लेकिन जब विधवा आई तो उसने कहा कि वह एक खेल खेल रही थी, उसको ऐसा करते हुए कोई देखता है कि नहीं, और उसने बड़ी चालाकी और धूर्ततापूर्ण कलाबाजी से युक्त अपने सौभाग्य और उत्थान के लिए राजा की प्रशंसा में अद्भुत शब्दों में यशोगान को किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा उस पर अत्यधिक प्रसन्न और काम से मोहित हो कर उसको दंड देने के स्थान पर उसे अपनी रानी बनाने का निर्णय कर लेता है और इस तरह से उससे वह विवाह कर लेता है और वह विधवा अपनी पुत्री के साथ राजा के महल में ही आकर रहने लगती है। अब नई रानी राजा की पहली पत्नी से उत्पन्न सात लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी और वह चाहती थी कि किसी प्रकार से इनको इस महल से बाहर किया जाए, जिसके लिए वह नए नए तिकड़म रचने लगी और वह विचार करने लगी कि जैसे भी संभव हो किसी भी तरह से इनको यहाँ से भगा देने के बाद राजा का सारा धन और संपदा के साथ सभी प्रकार का
ऐश्वर्य केवल उसकी एक पुत्री का ही होगा और मेरी पुत्री उनके स्थान पर राजकुमारी के रूप में इस महल में रहे। इसके बजाय कि उसको राजा की पुत्रियों के प्रति करुणा, दया, प्रेम से युक्त व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यद्यपि वह हर प्रकार से केवल राजा की सात पुत्रियों को प्रताड़ित और दुखी करने वाले ही सारे कार्यों को करने लगी थी। इस तरह से उसने राजा की सात पुत्रियों के खाने पीने पर प्रतिबंध लगा दिया और वह उनको बहुत कम खाने के लिए खाना और पीने के लिए बहुत कम पानी दिया करती थी। इस तरह से सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का ही भयानक स्रोत खुल गया था। इसके विपरीत जो प्रधान के द्वारा उत्पन्न रानी की एक छोटी पुत्री थी, उसके लिए हर प्रकार की सब ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुओं को उपस्थित किया जाने लगा महल में रानी की आज्ञा से, और उसे राजकुमारी की तरह से आरामदायक जीवन जीने के लिए हर तरह से उसकी माँ ने उसको प्रोत्साहित किया और अपनी पुत्री के लिए रानी ने अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ, अच्छे अच्छे कपड़े, हर प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करने लगी और राजा की पहली पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रियों को सभी प्रकार की वस्तुओं से वंचित कर दिया गया। वह सभी बहनें बहुत दुखी, उदास और अत्यधिक परेशान रहने लगी। उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह से वह सात बहनें दुखी होकर महल से बाहर रोज जाकर अपनी माँ की समाधि पर रोया करती थी और इस प्रकार से कहा करती थी, माँ, ओ माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितने अधिक अप्रसन्न और दुखी हैं और हम सब कैसे भूखे प्यासे रह सकते हैं इस क्रूर, निर्दयी, सौतेली माँ के साथ। एक दिन जब वह सब एक साथ अपनी माँ की कब्र पर बैठकर रोने के साथ सिसकियाँ भर रही थी और तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ के साथ माँ के समाधि स्थल के पास ही एक बहुत सुंदर अनार का वृक्ष उत्पन्न हो गया और पूरी तरह से ताजे पके हुए सुंदर स्वादिष्ट फलों से लद गया और इस तरह से सभी बच्चों ने अपनी भूख को पके फलों को खाकर शांत किया और हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी तो वह सब अपनी माँ के इस कब्र पर आकर इसी तरह से फलों को खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया करती थी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया गया घटिया भोजन भी खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वह अनार का पेड़ अद्भुत था। जितना अधिक फलों को तोड़ा जाता था उससे अधिक पके हुए स्वादिष्ट फल अगले दिन लग जाते थे, जो उन बहनों के लिए पर्याप्त भोजन के समान कार्य करता था। उन सब सात बहनों की सौतेली माँ ने जब देखा कि वह जब भी भोजन के लिए कहती है उन सात बहनों को और वह सब खाने के लिए मना करने कर देती हैं। जब ऐसा ही कई दिनों तक चलने लगा तो उसको बड़ी चिंता होने लगी। उसने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा कि यह सात लड़कियां खाना पीना कुछ भी
महल में नहीं करती हैं। इसके विपरीत यह सब स्वस्थ और सुंदर हैं। इनको कोई बीमारी भी नहीं है। इनके शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तो तुमसे भी अधिक सुंदर और आकर्षण दिखती हैं। मैं नहीं जानती कि ऐसा कैसे हो रहा है। इन सब राजकुमारियों के साथ तुम जाकर देखा करो, छुप कर कि कोई इन सब को खाने पीने के लिए तो नहीं देता है। इस तरह से जब सात राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर गई और वहाँ सुंदर और स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खा रही थी, इनका पीछा करते हुए प्रधान की पुत्री भी वहाँ पहुँच गई और उसने देखा कि यह सब अनार के पके हुए फलों को एकत्रित कर रही थी। तभी सुनैना ने उसको देखकर अपनी दूसरी बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या तुम सब नहीं देख रही हो कि यह लड़की हम सब का पीछा कर रही है और हम सबको देख रही है। आओ हम सब मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं या इन सब अनार के फलों को छुपा देते हैं, अन्यथा यहाँ से जाएगी और हम सबके बारे में सब कुछ अपनी माँ से कह देगी और इसके बाद हमारे साथ जो भी होगा वह बहुत अधिक बुरा और दुखदायी होगा। लेकिन सुनैना की दूसरी बहनों ने कहा, नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक इस निर्दोष लड़की के प्रति निर्दय मत बनो। यह लड़की इतनी अधिक निर्दय और क्रूर स्वभाव की नहीं है। जो यहाँ से जाकर सब कुछ अपनी माँ से कह देगी, आओ हम सब उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको भी खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट फलों को देते हैं। और उन सब ने उस प्रधान की पुत्री को अपने पास बुलाया और उसको खाने के लिए एक अनार का फल दे दिया। प्रधान की पुत्री ने धीरे धीरे उस अनार के फल को खाते हुए अपनी माँ के पास महल में गई और अपनी माँ से कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इस पर कि वह सात बहनें खाना नहीं खाती हैं जो महल में उनके लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि उनकी माँ के द्वारा रोज उनको पके हुए स्वादिष्ट अनार का फल खाने के लिए दिया जाता है और इसीलिए वह सभी बहनें रोज अपनी माँ की कब्र पर जाती हैं और अनार के फलों को खाती हैं। मैंने भी उसमें से एक फल खाया था जो अति सुंदर और अद्भुत स्वादिष्ट था, ऐसा फल जो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं खाया था। यह सब सुनकर वह क्रूर रानी बहुत अधिक दुखी और परेशान हो गई। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कमरे में ही बिताया और राजा से कहा कि उसके सर में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है। राजा अपने अंदर बहुत अधिक गहराई से दुखी और उदास हो गया और उसने कहा कि बताओ मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने उत्तर में कहा, केवल एक ही वस्तु है जो मुझे इस सर दर्द से मुक्त कर सकती है, वह यह है कि जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि है वहां पर एक अनार का सुंदर वृक्ष उगा है, उसको उखाड़कर जड़ और उसके तने के साथ पत्तों को थोड़े पानी में उबालकर मेरे सर पर उस उबले जल से
जब मालिश होगी तब तो मेरा सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस तरह से राजा ने अपने कुछ नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि वहाँ समाधि स्थल के पास जो सुंदर अनार का वृक्ष उगा है उसको उखाड़कर जड़ तना पत्तों समेत मेरे पास लेकर यहाँ पर आओ। सेवकों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जड़ समेत उस सुंदर अनार के वृक्ष को उखाड़ के राजा के पास ले आए और राजा के द्वारा उनको उबाल कर जल में रानी के लिए औषधि के रूप में उपस्थित कर दिया गया, जिसके सेवन से उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि वह अब बिल्कुल ठीक हो गई है और अच्छा महसूस कर रही है। अगले दिन जैसा कि प्रायः सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर जाया करती थी उस दिन भी गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर से अनार का वह सुंदर वृक्ष गायब हो चुका था, तो वह सब बहुत बुरी तरह से दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर जहाँ पर कभी अनार का वृक्ष था उसके स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया और वह मक्खन के समान पदार्थ से भर गया और जो जल्दी ही सफ़ेद ठोस बिस्किट में बदल गया, जिसको रोती हुई सातों बहनों ने आश्चर्य के साथ देखा। इसको देखकर वह सात बहनें बहुत अधिक प्रसन्न और उत्साहित हो गई और उन सब उसमें से कुछ बिस्किट को खाया जो उनको बहुत अधिक पसंद आया और अगले दिन भी वही हुआ और ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। हर रोज सुबह राजकुमारियां अपने माँ की समाधि पर जाती और वह देखती कि उस छोटे तालाब में पहले मक्खन बनता फिर वह बिस्किटों का रूप ले लेता, जिसको वह सब खाकर अपनी भूख को शांत कर लेती थी। फिर उस क्रूर और निर्दय रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं कि यह क्या हो रहा है, जबकि मैंने अनार के वृक्ष को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था, फिर भी वह सब लड़कियां ना ही बिल्कुल दुखी ना ही उदास हुई और ना ही वह सब दुबली पतली हुई हैं। यद्यपि वह सब अपना भोजन अब भी महल में नहीं करती हैं जो मैं उनके लिए तैयार कराती हूँ, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि ऐसा कैसे हो रहा है। और उसकी पुत्री ने कहा कि मैं उन पर नज़र रखूंगी और देखूंगी आखिर माजरा क्या है। अगले दिन जब सातों बहनों ने अपनी माँ की समाधि पर जाकर मक्खन से बने बिस्कुटों को खा रही थी, तभी सबसे पहले सुनैना प्रधान की लड़की को देखा जो उन सब पर छुपकर नज़र रख रही थी और उसने अपनी बहनों से कहा, देखो वह लड़की दोबारा यहाँ पर फिर आई है, आओ हम सब चारों तरफ से इस तालाब को ढक लेते हैं जिससे वह इसको नहीं देख सके। अगर हम सब ने अपने बिस्कुट को थोड़ा सा भी टुकड़ा इसको दिया तो यह अवश्य जाकर अपनी क्रूर और निर्दय माँ से कहेगी, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य को लाने वाला होगा। सुनैना की दूसरी बहनों ने समझा कि सुनैना अनावश्यक संदेह करती है और उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत
उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी कुछ बिस्किट खाने के लिए दे दिया। क्रूर रानी ने जब राजकुमारियों के अदम्य साहस, उत्साह और हौसले से पूर्ण कार्य के बारे में सुना तो वह बहुत व्यग्रता के साथ क्रोध से लाल पीली होने लगी और इसके साथ उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास में उपस्थित छोटे तालाब को नष्ट करके उसमें मलमूत्र भर दो। और इस पर भी वह संतुष्ट नहीं हुई। अगले दिन वह फिर भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने महल के कमरे में पड़ी रही और कहने लगी कि अब सच में यह उसके जीवन का आखिरी समय है। इसको सुनते ही राजा अत्यधिक दुख से भर गया और उसने रानी से कहा, क्या उसके सारे साम्राज्य की शक्ति के बदले में यदि कोई उपाय है तो वह कहे, जिसको वह राजा अपना सब कुछ देकर खरीद ले, जिससे उसकी रानी का जीवन बचाया जा सके। क्रूर रानी ने कहा, केवल एक वस्तु है जो मेरे जीवन को बचा सकती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इस कार्य को हमारे लिए कभी नहीं कर पाओगे। राजा ने कहा, तुम कहो, वह कुछ भी होगा मैं अवश्य पूरा करूँगा। इसके लिए मैं तुमसे वादा के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर उसने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुमको अवश्य अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न सातों पुत्रियों की हत्या करनी होगी। उनका कुछ खून मेरे सर और मेरी हथेलियों पर लगाना होगा। इस तरह से उनकी मृत्यु ही मेरा जीवन है। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे पृथ्वी गायब हो चुकी हो और वह मूर्छा खाकर गिरने वाला हो गया। लेकिन फिर भी राजा ने स्वयं को संभालते हुए खड़ा रहा, क्योंकि राजा को अपने प्रतिज्ञा के टूटने का भय था। इसलिए भारी हृदय के साथ वह कमरे से बाहर आ गया और राजकुमारियों को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी सातों पुत्रियों को अपनी पहली पत्नी के बर्बाद समाधि स्थल पर रोते हुए पाया। फिर राजा के हृदय में भाव उठा उन सब की हत्या ना करने के बारे में। राजा ने अपनी पुत्रियों से प्रेम पूर्वक बोला कि तुम सब चलो मेरे साथ इस जंगल से बाहर, और उन सब को लेकर जंगल में चल दिया। कुछ दूर जाकर एकांत जंगल में राजा ने आग जलाई और उन सब के लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। लेकिन दोपहर का समय था, इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण वह सभी सातों बहनें गहरी निद्रा में खाने के बाद चली गई। और जब राजा ने देखा कि यह सब सो चुकी हैं, तो वह उठा अपने स्थान से और चोरी से छुपकर उन लड़कियों की निगाह से बचकर वहां से भाग गया। उन सबको वही निद्रा अवस्था में छोड़कर अपनी पत्नी के भय के कारण और अपने मन में सोचता हुआ कि हमारी पुत्रियों के लिए यही अच्छा है कि यह सब यहाँ एकांत जंगल में भूखे प्यासे किसी भूखे जानवर के भोजन के रूप में अपनी मृत्यु को प्राप्त करें, इसके बजाय कि यह सब अपनी सौतेली माँ के द्वारा मारी जाए। यह इनके लिए बहुत ही बुरा होगा। फिर राजा ने
जंगल में एक हिरण को मारकर उसके खून को लेकर अपने महल में आया और उस खून को रानी के सिर और उसके हथेलियों पर लगाया। और क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है, और उसने राजा से कहा कि अब वह स्वयं को बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही है। राजा के चले जाने के कुछ देर बाद सातों राजकुमारियाँ की नींद खुल गई और उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों को चिघाड़ने की आवाज को सुना, जिसको सुनते ही उन सब का रुआ रुआ भय से कांपने लगा। उनका पूरा का पूरा शरीर भय से थर थर थरथराने लगा, जिसके कारण वह सब भय से आक्रांत होकर रोने और चिल्लाने लगी, और उनमें जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति को लगाकर अपने पिता को पुकारने लगी, इस आशा से कि शायद उनकी आवाज़ को सुनकर राजा वापस आ जाए। लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया। उन सबको सिवाय अपनी आवाज़ के जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों ऐसा सुनाई दे रहा था, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी देश के सात राजकुमार वहाँ शिकार करने के उद्देश्य से आए थे, और वह सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तभी उन राजा राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि जरूर कोई इस जंगल में फंसा है और वह हम सबको अपनी सहायता करने के लिए पुकार रहा है। अभी सब लोग यहीं ठहर जाओ, मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है, क्या तुम सब इस आवाज़ को नहीं सुन रहे हो? चलो इस दिशा में चलते हैं जहाँ से यह आवाज़ आ रही है, और इस तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़े को उसी दिशा में दौड़ा दिया जहाँ से यह मार्मिक आवाज़ आ रही थी, और कुछ ही समय में वह सब राजा राजकुमार उस जंगल में पहुँच गए जहाँ पर वह सात राजकुमारियाँ मार्मिक विलाप के साथ अपने हाथों को बजा रही थी। इस दृश्य को देखकर सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और बड़ी व्यग्रता के साथ उन सब की सारी कहानी को बड़ी रुचि के साथ सुना, और उन सब ने बहुत कुछ नया जीवन जीवन के बारे में सीखा, और उन सब राजकुमारों ने निश्चय किया कि जो परमेश्वर के द्वारा यह औरतें मिली हैं इनको अपने साथ अपने राज्य में ले जाएंगे और इन सब के साथ विवाह करके अपने साथ ही रखेंगे। इस तरह से सबसे बड़े कुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, और दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से, और तीसरे राजकुमार ने तीसरी राजकुमारी से विवाह किया। ऐसे ही प्रत्येक राजकुमार ने प्रत्येक राजकुमारी से क्रम के अनुसार अपना अपना विवाह संपन्न कर लिया। अंत में सातवीं राजकुमारी ने सबसे सुंदर और सबसे अधिक बुद्धिमान राजकुमारी सुनैना से अपना विवाह किया, और जब वे अपने ही देश में आए तब सात राजकुमारों की शादी में सात ऐसी खूबसूरत राजकुमारियों के लिए पूरे राज्य में बहुत खुशी हुई। इस सुनैना को करीब एक साल बाद एक बेटा के पैदा हुआ, और
उसके चाचा और चाची लड़के से इतने अधिक प्रसन्न थे कि ऐसा लगता था कि उस लड़के के पास सात पिता और सात माता है। अन्य किसी भी राजकुमार और राजकुमारी में से किसी को भी बच्चा नहीं था। इसलिए सातवें राजकुमार और सुनैना के बेटे को बाकी सभी ने अपने वारिस की तरह से स्वीकार किया। इस तरह वे कुछ समय तक वहाँ बहुत खुशी के साथ रहे। कुछ एक अच्छे दिनों के बाद सातवें राजकुमार सुनैना के पति ने कहा कि वह शिकार के लिए बाहर जाएगा और चला गया। इसके बाद सुनैना ने लंबे समय तक इंतजार किया अपने पति का, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। फिर उसके छह भाइयों ने कहा कि वे जाकर देखेंगे अपने भाई के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ, और वे चले गए, लेकिन वे भी वापस नहीं आए। यह जानकर सात राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ जब उनके पति वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पति को किसी तरह से जंगल में किसी के द्वारा मार दिया गया है। एक दिन जब बहुत अधिक दिन नहीं बीता था, यह सब कुछ हुए, उस दिन सुनैना अपने पुत्र को पालने में झूला झूला रही थी और उसकी सभी बहनें नीचे कमरों में काम कर रही थी। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे के पास आया जिसने काला लबादा पहन रखा था, जो स्वयं को फकीर कह रहा था, और उसने कहा कि वह यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकर ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हो, राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हैं, हम सोचते हैं कि वह सब मर चुके हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन उसने आदमी ने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तुम मुझे अंदर जाने दो। फिर उस मूर्ख नौकर ने उस आदमी को अंदर महल में जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन यह सब नहीं जानते थे कि वह सच में कोई फकीर या साधु नहीं था। वह तो एक बहुत क्रूर कुरूप आत्मा जादूगर कालिया था।